अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। पिछली वीडियो पे इतनी लाइक्स आई थी और सब ने इतना पसंद किया था और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले थे। और इफ्तारी तो आपने देखी थी, बिल्कुल सिंपल सी, पहला रमज़ान था, पहला रोज़ा था। और उसके बाद इतने कमेंट्स आए थे कि आपकी सहरी किस तरह की होती है, तो सहरी भी आज हमने सोचा आपको सहरी दिखाते हैं। सहरी में कोई बहुत ख़ास चीज़ें नहीं बनती हैं, क्योंकि हम जो खाना बनाते हैं इफ्तार में, उसमें कोई लेफ़्ट ओवर सालन है या कोई चीज़ है, या उसके अलावा हम दही बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि वो आपको हाइड्रेट रखती है और बहुत ज़रूरी होती है, और पराठे तो मस्ट हैं। और मैं नीचे आई हूँ और मैंने देखा है कि मुझे फैसल नज़र नहीं आ रही और आयत भी नज़र नहीं आ रही। फरमान को मैं लेकर आई हूँ नीचे और अब मैं देखती हूँ ये लोग कहाँ हैं, क्योंकि इनको मैंने कहा था कि ये लोग मुझे उठाएंगे, लेकिन नहीं उठाया और अपना बिजी हैं ये लोग। ये क्या चल रहा है? गेम चल रही है। क्यों? मैंने आप लोगों को कहा था मुझे उठाएंगे। यार एक मिनट। हाँ। उठाया भी नहीं, वो तो मैं खुद उठ गई हूँ हमेशा की तरह। सॉरी। और अभी तक आए थे, आप अभी तक जाग रही हो? वो गेम खेल रहे हैं। एक्साइटमेंट थी आपको? सहरी की एक्साइटमेंट थी। टाइम देखे यार। चले। फरमान कहाँ? वो अभी मैं उसको नीचे लाई हूँ, उसको डाला मैंने कैरी कॉट में। चलो बंद करें, बाय बाय करें। बंद करो। आए नहीं, इसको उस पे चार्ज पे लगाओ सबको। चलो मैं आ रहा हूँ बस दो मिनट। और आप सब ने कहा था सहरी का, मेरे ख्याल से सना ने उस चीज़ को जो है वो सीरियस ले लिया और आज हम शुरू हो गए। और अब्दुल्ला भाई बहुत अच्छे हैं। सो बनाते हैं कुछ, देखते हैं क्या है। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करें। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। हमारी इफ्तारी वाली वीडियो आप लोगों ने इतनी पसंद की और आप सब ने इतना इन्जॉय किया, उसमें मैं थोड़ा ज़्यादा कर गया, पता नहीं थका हुआ था क्या कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने इतना पसंद किया। सो आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। और हम पिछले दो घंटे से सिर्फ एक दूसरे को मार रहे हैं, हम मोर्टल कॉम्बैट खेल रहे थे। सो अब चल के सहरी बनाते हैं, ठीक है आयत? ओके, आयत विल हेल्प मी। सो चलते हैं किचन में। चलो भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर आपको किचन में वेलकम कहता हूँ। ये मेरे ख्याल से चौथी पांचवी वीडियो हो गई है किचन में। और बस यही हो रहा है क्योंकि लॉकडाउन है, या तो मैं गेम शो पे जाता हूँ जहाँ हमने बड़ी SOPs फॉलो की हुई हैं और वहाँ पे हमारी कोशिश ये होती है कि लोग करीब ना आए, और बहुत सैनिटाइज हो रही होती हैं चीज़ें, हर चीज़ पर हमने बड़ा ध्यान रखा हुआ है। करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरी टीम में तकरीबन 30-40 लोग हैं जो कि टेक्निकल टीम है, मेरे साथ जो वहाँ पे और बॉयज़ हैं जो काम करते हैं, जो स्पॉट्स हैं। शूट्स भी ना होने की वजह से हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम, इन लोगों को जो हमारे स्पॉट बॉयज़ वगैरह हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सो वी आर ट्राइंग आर बेस्ट कि अल्लाह करे जो हो सकता है वो कर रहे हैं। पर मैंने कहा कम अज़ कम शो तो हम कर सकते हैं, बिकॉज सेट्स पे सैनिटाइज करना है, SOPs फॉलो करना ज़्यादा आसान है। वापस आते हैं। नॉर्मली मैं हर साल इतना कुछ नहीं कर रहा होता, क्योंकि मेरा काम चल रहा होता है, तो वो बस मेरा ये होता है कि मैं रात को मैक्स 1-1.5 बजे खा पी के सो जाता हूँ और सुबह उठ के फिर जो काम है हम उसके ऊपर होते हैं। लेकिन चूँकि इस दफ़ा रमज़ान में शो होता है मेरा 3 बजे, तो मैं आराम से उठता हूँ ज़ोर से पहले, और हम बड़े आराम से मैनेज कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक हालात जो हैं वो अंडर कंट्रोल हैं, हमारे भी और आप लोगों के भी। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। तो मैंने ये सोचा कि आज फ्रेंच टोस्ट बनाता हूँ। बहुत आसान सा फ्रेंच टोस्ट होता है और बड़ा मज़े का होता है। मैं आज उसमें सिनेमन डालूंगा। कर लूँगी मैं ट्राई फिर। मज़े का। आई डोंट लाइक सिनेमन, लेकिन हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं वो बना रहा हूँ, मुझे अंडे दे ला दो और भाई छोड़ के दूध वूध निकाल लो। नहीं नहीं, काम कर ले। मैं आपको अंडे देती हूँ, आप शुरू करें अपना काम। ठीक है, मैं बनाता हूँ फ्रेंच टोस्ट और साथ में दलिया। अंडे जी, शुक्रिया। वैसे एक ही अंडा काफी है, दो दो अंडे क्या करने, कच्चा थोड़ी खाना। ठीक है। हाँ।
चलें जी, सम फन फैक्टर। आप पराठे बना रही हैं? या मैं पराठे बना रही हूँ। ठीक है, देसी घी वाले पराठे। खाओ खाओ, तुम लोग खाओ। खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। मुझे बस वो प्याले वगैरह पकड़ा दो, मैं शुरू करूँ। ठीक है ठीक है, ओके। सो माय फेवरेट फ्रेंच टोस्ट, और सिंपल अपना क्या कहते हैं तरीका है, स्किम मिल्क, अंडा, और मुझे चूंकि ये सिनेमन ज़्यादा पसंद है सो मुझे ये बड़ा मज़े का लगता है, इससे ज़रा फ्लेवर और रिच हो जाता है। कुछ लोगों को नहीं पसंद है, जैसे मेरी बीवी को नहीं पसंद सिनेमन, तो वो तो नहीं खाती भाई। और टोस्ट जो है मेरा, उसको मैं जो डबल रोटी होती है उसको मैं ज़रा टोस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि वो उसके बाद एक उसके अंदर ज़रा मज़े की चीज़ हो जाती है। ये प्लेट में निकालने का फ़ायदा ये है कि इसमें ये ज़रा मज़े का हो जाता है। सो आज जी आप अगर यहाँ बैठेंगी बेटा तो ये मैं कैसे बनाऊँगा, मुझे ये बताएं। तुम क्या बना रही हो, पराठे बना रही हो? पराठा और कीमा। पराठे खाओ, मैं यहाँ आ गया था तो इसको थोड़ा अंदर कर रहा हूँ, इसलिए कोशिश ये कर रहा हूँ कि बस और वो कीमा शिमला मिर्च। वैसे तो मेरा बहुत दिल है पराठा और दही खाने का। अच्छा, पराठा और दही तो बेस्ट बेस्ट कॉम्बो है जी, और कुछ भी नहीं है जी, ये सिंपल सा ओटमील है। मीट खाने के बाद 5 मिनट में बन जाता है। सहरी तक जागना, फिर उसके बाद जब सोते हैं और सो के जब उठते हैं, और अगर मीट खाया हुआ हो या सालन कोई ऐसा, तो थोड़ा सा ड्राइनेस फील होती है, और जब दही खा के सोते हैं तो फिर इतना फील नहीं होता। लेकिन लोग जाहिर सी बात है जो ज्यादा काम कर रहे होते हैं उनको तो ज्यादा प्यास लगती है। हाँ, मुझे थोड़ा सा ऑयल भी ला देना। नहीं नहीं, बटर में नहीं बना रहा मैं, अब कुछ भी बटर वटर फारिग कर दिया मैंने, बहुत वजन बढ़ गया है इस चक्कर में। और ओटमील का फ़ायदा ये है कि ये इतना सा एक प्याली जो है ओटमील की, इसका फ़ायदा ये होता है कि ओटमील को पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, दलिया। सो जो दलिया है उसका फ़ायदा ये होता है कि सारा दिन आपको एनर्जी देता रहता है पूरी बॉडी के अंदर। सो वो जो थकावट होती है वो नहीं होती ओटमील से। बहुत सारे लोग बड़े अलग अलग तरीक़ों से ओट मील्स बनाते हैं, लेकिन मेरा बड़ा बेसिक और बड़ा सिंपल है। सिंपल दूध है, उसके अंदर ओट मील डाल दिया, वो थोड़ा सा अभी 5 मिनट में पक जाएगा। लोग इसको ओवन में भी पका लेते हैं, 2 मिनट में ये ओवन में भी पक जाते हैं ये वाले जो ओट मील्स हैं, लेकिन ये है कि वो मुझे ज़रा ऐसे पसंद है, थोड़ा सा थिक, और उसके ऊपर शहद डालो और खा लो। और ऑब्वियसली एक ज़माने में लोग, बल्कि अभी भी करते हैं, वो खजले और वो सारा कुछ जो है वो शहरी में खाते हैं, उसका मज़ा ही आता है कि जी वो खजले वजले का, कि वो चीनी चूंकि बॉडी में आपके जाती है तो वो सारा दिन जो है वो आपको एनर्जी जो है वो मिलती रहती है। ज़रा थिक सा थोड़ा बना लेते हैं, और मुझे अगर सना ने बताया होता तो मैं केले भी मंगवा लेता, इत्तेफाक से आज केले नहीं है घर पे, तो इसके ऊपर केले डाल के और बड़ा मज़े का बन जाता है। ये अचानक मेरी बीवी जो ना आजकल मुझे सरप्राइज़ देना शुरू हो गई है, और तुम भी साथ मिले हुए। देखते हैं सना जी क्या पका रही हैं, ज़रा आज ज़रा देखो, ज़रा जाके जाओ ना देखो मामा क्या पका रही हैं। देसी घी वाले पराठे में मैंने कीमा शिमला मिर्च भी गरम किया, ओहो लच्छेदार पराठे। बस 3 ही बनाए बस मैंने, हैं वेस्ट होते हैं फिर लच्छेदार पराठे। मैंने तो खाना नहीं है, या तो एक अब्दुल्ला खाएगा, एक वो खाएगी, हाँ। और एक तुम खाओगी। मैं तो खाऊंगी पराठा, एक अब्दुल्ला खा लेगा, ये कैसे हो सकता, एक बानो खा लेगी। सब्जी भी तो थी सना, सब्जी खानी है, थोड़ी सी चखलूंगा यार, मुझे बड़ी मजे की लग रही है। अच्छा, मैं सब्जी भी निकाल देती हूँ।
मुझे लगा सब्जी नहीं खाएंगे, कीमा खाएंगे। कीमा मैंने इफ्तारी में खा लिया था। अच्छा, मैं सब्जी भी करती हूँ। टूट गया, मुझे अफसोस हो रहा है यार। हमारी माँ मजाक उड़ाएगी मेरा। और क्या, जूसी है पर खैर, जो इसका एक काम करते हैं, इसको थोड़ा हम ऐसे कर लेते हैं। असल में पकने देते हैं थोड़ी देर। चलो आयत, चीजें रखना शुरू करो बेटा। तुम कहाँ बैठोगी? यहाँ। ये आयत का है जी, और खाना कोई बन जाए और रह जाए। जाओ अपना फोक वो निकालो, वहाँ से फोक निकालो, चम्मच निकालो सारे। आई डोंट नो, ये क्या है यार? ये देखो ना, ये आयत ने बीच में एक पीस पे वो शुगर डलवाई है। अच्छा, कैस्टर शुगर? हाँ। अच्छा, तो ये क्या है? तो मैंने तो पूरा बनाया था ना। फिर इसको क्या हुआ? तो बीच में से काटा है वो। ओह, ओके। सुबह सुबह ना यही होता है, सब चीजें वापस ढूंढ रहे होते हैं। हाँ, यही मसला है। शायद कहाँ रखा हुआ? फ्रिज में? फ्रिज में है, ऊपर भी है। कौन सा चाहिए? मैं फ्रिज में से। अच्छा, मैं सब्जी निकालूं? हाँ, सब्जी ये गर्म कर लो, बस एक मिनट लगेगा। आई थिंक मेरा वाला कहाँ है? शायद हाँ भाई, ये कहाँ रखा हुआ? किचन में अंदर। ये पराठे। बैठो भाई, टाइम जा रहा है। यस, मेरे भी चमचे भी है। टाइम इसमें आपने सिनेमन डाला है? जी, लेकिन चखे देखना, मजे का लगेगा तुम्हें। सिनेमन से जरा वो थोड़ा सा फरमान को देख लूं पहले। सो ये होती है भाई हमारी सिंपल सी सहरी यार, कोई ज्यादा इंतजाम नहीं होता। आज तक दही भी निकाल लोगी तो अच्छा हो जाएगा। हाँ, एक दूसरे की मदद करते हैं इसी तरह से। ओ यस, मैं दही निकाला है। और इसी तरह से बस एक दूसरे के साथ होते हैं। उस बेचारे को अभी से पराठों की खुशबू सुंघा रहे हैं, वो भी यूं देख रहा होता है पराठों को ऐसे करके। मेरा फेवरेट दही। सो इसी तरह हम सिंपल तरीके से, कोई ज़्यादा शशके की ज़रूरत है नहीं, हमें इतना कुछ पसंद नहीं है। वैसे भी बेस्ट मंथ फॉर अपना क्या कहते हैं, कंट्रोल योर वेट ऑल्सो। लोग खा खा के पागल हो जाते हैं। वैसे इसे वेट कहाँ से कंट्रोल होता है? ये तुम खा रही हो। मेरा ये है स्किम मिल्क। मेरा तो वो भी फिलहाल लगता भी नहीं, मेरा प्लान है वेट कंट्रोल करने का। भाई करोगे तो हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली जब 14-16 घंटे की फास्टिंग हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो चीज बर्न आउट। पर मैंने नोटिस किया है कि पराठे भी खा रही हूं पर मेरा वेट गेन नहीं हो रहा। फास्टिंग की वजह से वो जब 16-17 घंटे हो रहे हैं, लंबे लंबे रोजे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से आई होप कि आप लोग भी अपना ख्याल कर रहे होंगे। चलें, एक चीज़ ये है कि आजकल कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो उन लोगों को ये फ़ायदा है कि जब कोई काम नहीं है तो वो घर पे ही हैं, तो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ रही। मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, वो ये प्रॉब्लम है कि अगर तुम मुझे दिन में बता देती कि आज हमें ये करना, तो मैं केले वेले मंगवा के इसके साथ ज़रा उसको भून के बस ऐसे ही होता है फिर अचानक। तो मैं थोड़ी सी सब्जी खाऊंगा जी, दो तीन निवाले पराठे के लूंगा, उसके बाद मेरा ये जो टूटा हुआ फ्रेंच टोस्ट है वो है, ठीक है, थोड़ा सा गैप दूंगा, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा ओटमील खाऊंगा। सो थोड़ा थोड़ा गैप देना है, और नो टी नो कॉफी अभी वो इफ्तारी पे। सो आयत, आपको अब क्या खाना है सहरी में, आप ये बताएं, मैं नहीं बनाऊंगा। आयत आज बड़ी एक्साइटेड है क्योंकि मोर्टल कॉम्बैट में इसने मुझे 2-4 गेमें मारी हैं आज। मैं हैरान हूँ कि जागती रही है ये, रूटीन कितनी उलट गई है ना। छुट्टियों ने ना सबका बेड़ा गर्क कर दिया है, सबका बुरा हाल। आयत बेड में होती थी 8 बजे
और सो जाती थी ये, और सुबह 6 बजे मैं इसको उठाती थी। इतनी अच्छी इसकी रूटीन थी, लेकिन अब ऐसे लगता है कि कभी ये रूटीन थी नहीं आपकी। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, बहुत सारे कमेंट्स, इतने पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, थैंक यू सो मच। बीच में एक दो जले हुए आ रहे होते हैं, अलबत्ता वार्डरोब वाली वीडियो पे भी कुछ 2-4 कमेंट्स आए थे ज़रा नेगेटिव, तो वो असल में मैं जो है वो छांटी कर रहा था, जो आसान लफ्ज़ मैं कहूँ, सुसाना ने मुझे पकड़ लिया। वो होता ही यही है, वो हर 3 महीने के बाद मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरी वार्डरोब जो है वो 60% निकल जाए, जिन जिन को वो जानी होती है, सो वो पहले से तयशुदा होता है, तो कि कहाँ कहाँ किन ऑर्गेनाइजेशन को जानी है, कौन से दोस्त को जानी है, कौन सी फैमिली मेंबर्स हैं जिनको जाने, सब मेरे कपड़े काड़े हुए होते हैं। और हम लोग इस बात को बुरा नहीं मानते कि मतलब मैं अपने कई दोस्तों के कपड़े उनसे घर से उठा के ले आता हूँ पहनने के लिए, हम चश्मे एक्सचेंज कर लेते हैं, मेरे और एजाज के आधे से ज़्यादा चश्मे जो है वो एक दूसरे से एक्सचेंज हुए हुए हैं, फाहद से एक्सचेंज हुए हुए हैं, हम लोग इन चीज़ों को बुरा नहीं मानते। सो ये मैं हमारे लिए जो ये चीज़ें हैं ये महज चीज़ें हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, हैसियत रिश्तों की होती है। सो उन रिश्तों का एहतराम किया करें, और लोगों के बारे में जब आप जानते नहीं हैं तो उन लोगों के बारे में बात ना करें। अब्दुल्ला तुमने भी बेटा जाके सहरी करनी है, और हमने भी सहरी करनी है, और फरमान भाई आपने भी सहरी करनी है, उनका फिक्स है, औलाद किसकी है आखिर? आपने शुरू कर दिया? चलें, कैसा बना? इट्स गुड। आप थोड़ा सा ओट मील भी चखेंगी मेरे साथ? मैं ट्राई करूंगी फ्रेंच टोस्ट। बिल्कुल ट्राई करो, ये लो थोड़ा सा बस। चलें, बेसिकली थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने का। मैंने कहा वो सभी कह रहे थे कि भाई हमें आप बताएंगे आप लोग सहरी में क्या खाते हैं। इसी तरह से सालन होता है, जो हम इफ्तारी में खाते हैं वही हम सहरी में खा लेते हैं, फिर दिन में बनता है वो। और दही मस्त है, दही तो मस्त चीज़ है, उसमें वो नहीं है। लेकिन मीठे में मैं कोशिश ये करता हूँ कि एक हाथ चीज़ हो, सो मैं उस तरह ये शहद हो गया, गुड़ हो गया, इस तरह की चीज़ों का, ब्राउन शुगर हो गई, उनका मीठा मैं बना के तो मैं ज़रूर खा लेता हूँ। ब्राउन शुगर इज़ वेरी गुड। सो आज मेरे एक दोस्त ने मुझे वो चीज़ें भी भेजी थी, बड़ी मज़े की, वो भी बड़ी मज़े की थी। और चूंकि शो की वजह से वो थी बनाना ब्रेड थी, हाँ वो मैंने नहीं खाया, वो दूसरा था ओट मील था, उसमें खजूर थी और उसके अंदर ब्राउन शुगर थी, वो बहुत बहुत मज़े का था। सो थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं सोच रहा हूँ अगली वीडियो ज़रा कुछ डिफरेंट होनी चाहिए, सो दावत करनी चाहिए किसकी। बाय बाय।